हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है फिर से मेरे ब्लॉग में। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं कॉम्पैक्ट कार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक गाड़ी के बारे में। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसके बेसिक मॉडल और इसके मिड मॉडल के बारे में, यानी कि स्विफ्ट के LXi और VXi मॉडल का हम रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। जानेंगे इस वीडियो में हम पूरा डिटेल कि स्विफ्ट LXi और VXi में क्या क्या फ़र्क आता है और क्या क्या प्राइस का डिफरेंस आता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बेसिक मॉडल के साथ में। जो आप ये मॉडल देख रहे हैं ये LXi वर्जन है। बाकी नॉर्मली मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ LXi VXi सभी मॉडल के बारे में, आप उसके सभी मॉडल देख सकते हैं स्विफ्ट के। बाकी अगर मैं बात करूँ उसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो आप LXi और VXi के फ्रंट प्रोफाइल से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये LXi है या VXi है। तो दोनों मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी बात कर लेते हैं इसके फ्रंट फेसिया के बारे में। जो LXi मॉडल है आपको उसमें मिल जाते हैं हेलोजन हेडलैम्प के साथ में, और इसी असेंबली के साथ में आपको मिल जाता है इंडिकेटर का ऑप्शन। साथ में अगर बात करें तो आपको मिल जाती है काफ़ी बढ़िया मैस ग्रिल जो विद क्रोम के साथ में अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा बात करते हैं बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। फोग लाइट का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होता है LXi वर्जन में। बाकी बोनट डिज़ाइन की बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया आपको स्टाइलिश बोनट डिज़ाइन मिल जाता है एरोडायनामिक शेप के साथ में। चलिए दोस्तों बात करते हैं VXi मॉडल के बारे में। तो आप देख सकते हैं VXi मॉडल भी लुक लाइक बिल्कुल सेम आता है फ्रंट प्रोफाइल से। अगर आप देखें तो आपने अभी इससे पहले देखा था LXi और ये VXi मॉडल है। दोनों के हेडलाइट असेंबली, फ्रंट ग्रिल, दोनों के बोनट डिज़ाइन बिल्कुल सेम रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये LXi या VXi मॉडल है। तो आप देख सकते हैं LXi VXi का फ्रंट फेसिया बिल्कुल सेम रहता है, कोई भी चेंजेस बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले इसके अंदर। दोस्तों बात कर लेते हैं LXi के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये LXi का साइड प्रोफाइल है। अगर मैं बात करूं तो आपको फेंडर में ही यहाँ इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं फेंडर में ही आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं तो आपको टायर साइज़ आपको कॉमन मिल जाता है, बिल्कुल आपको 14 इंची के टायर LXi VXi में मिल जाते हैं और ट्यूबलेस टायर के ऑप्शन के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल आपको व्हील कैप का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो छोटा वाला अवेलेबल होता है। और अगर बात करें इसके बाकी साइड प्रोफाइल की तो आपको मिल जाते हैं आउटसाइड मिरर ब्लैक कलर के साथ में, और उसके अलावा डोर हैंडल की बात करें तो वो भी आपको मिल जाते हैं ब्लैक ही, आपको सेम ब्लैक अवेलेबल हो जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं बाकी साइड प्रोफाइल की तो बिल्कुल आपको कॉमन मिलने वाला है, आपको ABC पिलर मिलते हैं सेम कलर के साथ में, टेप आउट नहीं है ऑप्शन। बाकी दोस्तों देख सकते हैं VXi का साइड प्रोफाइल तो आपको देखने में बिल्कुल सेम ही नज़र आता है। और बाकी जो फ़र्क दिखता है आपको यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। टायर साइज़ बिल्कुल सेम अवेलेबल हो जाता है, बस व्हील कवर और जो इस रिम का कलर है वो चेंज हो जाता है। वहाँ पे आपको सिल्वर कलर के साथ रिम मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के साथ में रिम मिल जाता है। बाकी बात कर लेते हैं आउटसाइड मिरर की तो यहाँ पे LED इंडिकेटर के साथ ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, आउटसाइड आपको सेम कलर के अवेलेबल हो जाता है मिरर। उसके अलावा डोर हैंडल की बात कर लेते हैं तो मिल जाते हैं सेम कलर के डोर हैंडल भी आपको यहाँ पर। और बात करते हैं ABC पिलर तो आपको मिल जाते हैं ब्लैक टेप आउट के साथ में, जो काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश सा फीचर दिखता है आपको इसके अंदर। बाकी बात कर लेते हैं साइड में कोई भी बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पीछे वाला डोर हैंडल दोनों कार में आपको सेम ही मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैक प्रोफाइल के बारे में तो आपको मिल जाता है काफ़ी स्टाइलिश सा बैक प्रोफाइल। यहाँ पे आपको LED कॉम्बिनेशन के साथ में सी शेप में आपको मिल जाती है बैक लाइट, जो काफ़ी स्टाइलिश सा फीचर अवेलेबल हो जाता है और रात में इसका लुक काफ़ी बढ़िया दिखता है। बाकी उसके अलावा आप बात कर लेते हैं आपको मिल जाता है स्विफ्ट का लोगो, साथ में मिल जाता है सुजुकी का बैजिंग बीच के बीच में बिल्कुल। बाकी आपको बम्पर में ही 4 आइस पार्किंग सेंसर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है LXi के मॉडल में। और
आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बैक प्रोफाइल अवेलेबल हो जाता है। आपको डीफोगर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है एलेक्सा मॉडल में, बाकी आपको हाई माउंट लैम्प का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। बाकी चलिए बूट भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आपको अवेलेबल हो जाता है कार के साथ में एलेक्सा मॉडल के साथ में। आपको पीछे पार्सल ट्रे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है एलेक्सा मॉडल में, और जो आपकी सीट है वो फिक्स हेडरेस्ट के साथ अवेलेबल हो जाती है एलेक्सा मॉडल में ही। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है एलेक्सा मॉडल के अंदर। एंड आपको स्पेयर पार्ट रखने के लिए एलेक्सा में यहाँ पे जगह मिल जाती है, आप अपने स्पेयर पार्ट्स को यहाँ रख सकते हैं। जो आपके जैक रोड पाना वगैरह है उसको आप यहाँ पे फिट ऑन कर सकते हैं। दोस्तों बात कर रहे थे VXI के बैक प्रोफाइल के बारे में, तो आपको बिल्कुल भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है। आप दोनों को देखने के बाद पता भी नहीं कर सकते हैं ये एलेक्सा या VXI का बैक प्रोफाइल है। तो आप देख सकते हैं सेम आपको यहाँ पे भी सुजुकी का बैजिंग मिल जाता है बीच में, और स्विफ्ट का लोगो मिल जाता है, और सेम आपको बैकलाइट अवेलेबल हो जाती है, सेम आपको पार्किंग सेंसर अवेलेबल हो जाता है जैसे आपको VXI मॉडल में अवेलेबल होता है। बाकी आपको छोटा सा बदलाव देखने के लिए मिलता है। बाकी आपको डीफोगर वाइपर का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं होता है। आपको हाई माउंट लैम्प मिल जाता है, एंटीना आपको दोनों में ऊपर की तरफ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मैग्नेट स्विच मिल जाता है, आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं बूट को मैग्नेट के थ्रू। बाकी आपको VXI मॉडल में पार्सल ट्रे का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बाकी बूट स्पेस वगैरह बिल्कुल सेम रहता है, कोई भी बदलाव इसमें देखने के लिए नहीं मिलता आपको। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। तो ये एलेक्सा मॉडल है, तो आपको एलेक्सा की मिल जाती है बिल्कुल बेसिक ऑप्शन के साथ में। इसमें आपको कोई भी सेंट्रल लॉक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता किसी भी की में, बिल्कुल बेसिक की अवेलेबल होती है। बाकी VXI मॉडल की चाबी भी दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों चाबी में आपको सेंट्रल लॉक का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। आप दोनों चाबी में सेंट्रल लॉक का ऑप्शन देख सकते हैं। आपको लॉक अनलॉक की फैसिलिटी प्लस बर्जर का ऑप्शन अवेलेबल होता है VXI मॉडल के साथ में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंजन के बारे में। तो आपको एलेक्सा VXI में इंजन में कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं नया आपको 1.2 सीसी का इंजन अवेलेबल हो जाता है जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप के साथ अवेलेबल होता है, प्लस डुअल VVT के साथ अवेलेबल होता है, डुअल जेट के साथ अवेलेबल होता है जो पहले से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा से पहले से ज़्यादा माइलेज देता है। और आपको सेम VXI में भी यही इंजन अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं ये एलेक्सा का इंजन असेंबली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी दोस्तों देख सकते हैं ये VXI मॉडल का इंजन असेंबली आप देख रहे हैं, और इसमें भी आपको एलेक्सा VXI में कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको सेम ही इंजन अवेलेबल हो जाता है, और किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी आपको डुअल VVT डुअल जेट के साथ में मिलता है, प्लस आइडियल स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। और उसके अलावा BS6 के सभी सेफ्टी नॉर्म्स पूरे होते हैं एलेक्सा VXI दोनों के अंदर। आपको एलेक्सा में डुअल एयरबैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम बेसिक वर्जन ही अवेलेबल हो जाते हैं, बेसिक मॉडल से ही आते हैं। बाकी आपको अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अंदर के इंटीरियर के बारे में। तो आप देख रहे हैं एलेक्सा का इंटीरियर आपको दिख जाता है, आपको ब्लैक प्रीमियम इंटीरियर यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर यहाँ पर मिलता है आपको इस कार के साथ में। और बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो आपको मिल जाता है काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश सा स्टेयरिंग जो नीचे से फ्लैट बॉटम के साथ अवेलेबल होता है। उसके अलावा आपको यहाँ मिल जाता है सुजुकी का लोगो। बाकी आप देख सकते हैं म्यूज़िक स्टीरियो एलेक्सा में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको एलेक्सा का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है। मैनुअल AC बटन्स आपको मिल जाते हैं, नीचे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट 2 का फोल्डर मिल जाता है, और नॉर्मल सी आपको गियर नॉब अवेलेबल हो जाती है बेसिक सी। बाकी बात कर लेते हैं सीट फैब्रिक क्वालिटी के बारे में, तो आप देख सकते हैं पावर विंडो वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है एलेक्सा में, और आपको फिक्स हेडरेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है एलेक्सा के मॉडल में। और बाकी बात करते हैं फ्रंट विंडो की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक विंडो आपको अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता किसी भी मॉडल में एलेक्सा के। आपको ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन के साथ में मिल जाते हैं डोर हैंडल, मैनुअल आपको मिल जाती है, पावर विंडो, बोतल होल्डर, पेपर होल्डर आपको मिल जाता है, स्पीकर का स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर। बाकी बात कर रहे थे आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे दिख जाता है, और साथ में मिल जाती है हेडलाइट की लेवलिंग। और अंदर के इंस्ट्रूमेंटल MID की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंगल बेसिक MID आपको अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर। आपको डुअल एयरबैग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, आपको ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड में एयरबैग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है इसमें। तो दोस्तों आप अंदर से व्यू देख सकते हैं, ये एलेक्सा वर्जन का व्यू है।
आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर यहाँ अवेलेबल हो जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर है। एलेक्सा ही है तो आपको इस पर स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते, बाकी आप देख सकते हैं मैनुअल आपको बटन से इसी के मिल जाते हैं जो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। म्यूज़िक स्टीरियो आप एड ऑन करा सकते हैं अपनी चॉइस का, बाकी यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है आपको साथ में काफ़ी बढ़िया। बाकी एलेक्सा का पैसेंजर केबिन है बैक साइड का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिक्स एड्रेस मिल जाते हैं और मिल जाते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लेग रूम। पीछे भी आपको मैनुअल विंडो का ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप देख सकते हैं। आपको फैब्रिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया कुशनिंग के साथ अवेलेबल हो जाता है। और पीछे की वाली जो विंडो है उस पर भी आपको सेम पावर विंडो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ एक बोतल होल्डर अवेलेबल हो जाता है। मैनुअल आपको मिल जाती है विंडो, आप ब्लैक कलर के साथ में आपको हैंडल, बाकी चाइल्ड लॉक की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है आपको बैक साइड में। चलिए दोस्तों बात करते हैं VXI मॉडल के इंटीरियर वगैरह के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये VXI मॉडल है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया के साथ फीचर के साथ आपको VXI मॉडल अवेलेबल हो जाता है। अगर बात करें तो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं जो LXI में नहीं अवेलेबल थे। बाकी आप देख सकते हैं कॉल कनेक्टिविटी वगैरह के ऑप्शन भी आपको दिख जाते हैं यहाँ पे। और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की बात करें तो आपको डुअल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले अवेलेबल हो जाता है जो काफ़ी बढ़िया फीचर RPM वगैरह के साथ में भी आता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया TFT आपको अवेलेबल हो जाते हैं डिस्प्ले। और बात करते हैं इसके स्टीरियो की तो आपको टच फैदर के साथ में म्यूज़िक स्टीरियो भी अवेलेबल हो जाता है जिसमें USB ऑक्सिलरी FM MB3 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। और डिस्प्ले की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले होता है ये आपका, आप देख सकते हैं मैनुअली आप यहाँ पे सारे टच फैडर के साथ में आप काम कर सकते हैं। आपको मैनुअल AC बटन मिल जाता है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। बाकी आपको USB ऑक्सिलरी FM MB3 के सॉकेट मिल जाते हैं। और गियर नोब में थोड़ा सा चेंजेस आता है, वहाँ बिल्कुल बेसिक अवेलेबल होती है, यहाँ पर थोड़े से कलरफुल कॉम्बिनेशन के साथ अवेलेबल हो जाती है। बाकी कप होल्डर आपको सेम अवेलेबल होते हैं जैसे वहाँ पर अवेलेबल थे। बाकी आप इंटीरियर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सेम इंटीरियर अवेलेबल होता है, बट कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। आपको पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं, आपको विंडो पे फैब्रिक ट्रिम मिल जाता है, उसके अलावा हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के लिए एडजस्टेबल। बाकी अगर विंडो की बात करें तो आपको चारों पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है VXI में, आउटसाइड मिरर आपको बैट एडजस्टेबल मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। बाकी पेपर होल्डर बोतल होल्डर आपको सेम मिल जाता है, स्पीकर का स्पेस मिल जाता है, स्पीकर अवेलेबल हो जाता है यहाँ पर आपको मिल जाती है फैब्रिक ट्रिम। साथ में आपको ड्राइवर साइड में हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाता है, वहाँ पर आपको LXI में हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं अवेलेबल होती है, टिल्ट स्टीयरिंग दोनों में ही अवेलेबल होता है, आप LXI VXI दोनों में टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अंदर से व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश सा व्यू आ जाता है VXI मॉडल के साथ में जो काफ़ी डिसेंट सा लुक देता है आपको। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाता है आपको फ्लैट बॉटम के साथ में, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले MID मिल जाता है, म्यूजिक स्टीरियो मिल जाता है, ऊपर सिल्वर क्रोम के साथ में आपको मिल जाते हैं AC के स्विचेस जो AC के वेंट्स हैं, साथ में आपको डैशबोर्ड पे भी मिल जाता है काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन देखने के लिए। बाकी केबिन व्यू देख सकते हैं आप VXI मॉडल का भी, तो आपको बिल्कुल सेम व्यू मिलता है, आपको सेम स्पेस अवेलेबल हो जाता है, बस आपको यहाँ पे पावर विंडो और क्रोम डोर हैंडल का ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं ज़्यादा, उसके अलावा पीछे AC वेंट वगैरह नहीं अवेलेबल होते दोनों ही मॉडल में। सेम आपको यहाँ पे भी चाइल्ड लॉक का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको पावर विंडो का स्विच अवेलेबल हो जाता है, क्रोम डोर हैंडल अवेलेबल हो जाता है, बोतल होल्डर अवेलेबल हो जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्विफ्ट LXI के बेस मॉडल प्राइस की, तो आपको दिल्ली में इसका एक शोरूम प्राइस 5,73,000 रुपये मिल जाता है जो दिल्ली रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक शोरूम प्राइस रहता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं VXI मॉडल के एक शोरूम प्राइस की, तो दिल्ली में 6,36,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस अवेलेबल होता है VXI मॉडल के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ करते हैं ख़त्म, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ रिक्वेस्ट से लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा दोस्तों घर के बाहर जब निकलें तो प्लीज़ आप मास्क पहनना ना भूलें, और बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप मास्क के लगा के ही निकलें। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी कोविड के लिए गाइडलाइंस है प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करें आप। और उसके अलावा बात करते हैं आपको अगर
कोई भी नई गाड़ी लेने के आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं मेरे मैसेज बॉक्स में, बाकी मैं आपको कॉल अरेंज करूँगा, बेस्ट डील प्राइस अवेलेबल करा के दूँगा। अगर आप मारुति कार के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट डील प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।